नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। दिल्ली और पंजाब का जायका अब आपके शहर में। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज के चिरकीहट गांव में देर रात धर्मांतरण का मामला सामने आया। इस गांव में देर रात त्रिशूल गाड़कर मुस्लिम धर्मगुरुओं की फोटो लगाकर हिंदू समाज के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगलाया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी की गई थी। इस पूरे कार्यक्रम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुक देने के लिए कव्वाली का भी आयोजन किया गया। इस कव्वाली को करने के लिए बलरामपुर के गायक फरीद अहमद को बुलाया गया। कार्यक्रम के बहाने उपस्थित जनता को हिंदू धर्म की कमियां बताकर मुस्लिम धर्म को अच्छा बताया जा रहा था और लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगलाया जा रहा था। इस बात की सूचना देर रात मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में 16 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये आरोपी आजमगढ़, मऊ, गोंडा, बलरामपुर जिलों के रहने वाले हैं और लोगों को पैसे की भी लालच दे रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जिले के एसपी अनुराग आर्य पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 त्रिशूल, 2 मुस्लिम धर्म गुरुओं की फोटो, हारमोनियम, साउंड बॉक्स, खाना बनाने के लिए आया भगोना और सामान, अर्टिका कार, बुलेट, टेम्पो के साथ एक जनरेटर भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि बुधवार देर रात्रि मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गांव निवासी अवधेश पासी के घर धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। इस गिरोह का सरगना सिकंदर पुत्र सज्जाद आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के मैनपुर गाँव निवासी है। इसके द्वारा अवधेश पासी के घर पर मजार स्थापित कर धार्मिक चिन्ह लगाकर तकरीर की जा रही थी। बीमारी ठीक करने और प्रलोभन देकर धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी। पुलिस से हुई पूछताछ में अवधेश पासी ने बताया कि वो पिछले 4-5 साल से बारबंकी के देवा शरीर जाता रहा है, जहां उसकी मुलाकात सिकंदर से हुई, जो वो झाड़ फूक का काम करता है और बीमारी ठीक करने का दावा करता है। सिकंदर अपने साथ गांव वालों की टीम लेकर चलता है, जो 5-6 घंटे तक लगातार कार्यक्रम करके लोगों को विचार प्रवचन करने में सिकंदर की सहायता करती थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 धार्मिक चिन्ह, त्रिशूल और महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला बुरके, कव्वाली, संबंधित सामान, अर्टिका गाड़ी, बुलेट, टेम्पो आदि बरामद किया गया और बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए सीओ लालगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। आरोपियों से LIU और अन्य एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। कल देर रात्रि थाना देवगांव अंतर्गत चिरकीहट गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना जरिए मुखबिर पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना को सादे वस्त्रों में पुलिस बल भेजकर तस्दीक कराया गया और उसके बाद थाने से पुलिस बल के द्वारा दबिश देकर कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि चिरकीहट गांव के अवधेश पासी के घर ये लोग धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। इस गिरोह का सरगना सिकंदर पुत्र सज्जाद, जो मैनपुर थाना बरदा का निवासी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अवधेश पासी के घर पर एक मजार नुमा स्थल तैयार कर धार्मिक चिन्ह स्थापित कर तकरीर की जा रही थी और बीमारी ठीक करने व अन्य प्रलोभन देकर इन सबके नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की इसकी योजना थी। इस प्रकार के कृत्य का यहाँ इनका पहला प्रयास था, जिसके दौरान इनको गिरफ्तार कर ये कार्रवाई की गई है। अवधेश पासी ने बताया कि वह 4-5 साल से देवा शरीफ बाराबंकी जाता रहा है, जहां इसकी मुलाकात सिकंदर से हुई। सिकंदर देवा शरीफ में झाड़फूंक का काम करता है और बीमारी ठीक करने का दावा करता है। सिकंदर ही अपने साथ एक कवालों की टीम भी लेकर चलता है, जो 5-6 घंटे तक अलग अलग तरीकों से लोगों के विचार परिवर्तन करने में इसकी सहायता करते हैं। इनके पास से 3 धार्मिक चिन्ह, जिनको इनके द्वारा पंजेतन पाक का पंजा कहा जाता है, त्रिशूल, महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले बुरके, नकली बालों के विग, धार्मिक झंडे, कव्वाली संबंधित साउंड सिस्टम, अर्टिगा गाड़ी, टेम्पो, बुलेट मोटरसाइकिल के साथ साथ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। इन गिरफ्तार 18 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR नंबर 221/23, धारा 3 व 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 दर्ज किया गया है। जनपद स्तर पर इस पूरे प्रकरण की विवेचना के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सीओ लालगंज के द्वारा किया जाएगा। इनसे स्थानीय स्तर पर LIU और अन्य एजेंसियों द्वारा भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना देवगांव और सिविल लालगंज की टीम के द्वारा की जाएगी। गढ़ में आए दिन हो रही धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर बजरंग दल के गोरक्ष प्रांत के सह संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी का कहना है कि पहले
ईसाई मशीनरी द्वारा हिंदू धर्म के गरीब और भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा था। अब मुस्लिम समाज के लोग भी धर्मांतरण करा रहे हैं, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इसकी गंभीर जांच कराएं कि कहीं धर्मांतरण के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं। रात में देवगांव थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक चिरकीहिट गांव है, वहां पर रात में एक सभा का आयोजन हुआ था, जहां पर कव्वाली किया जा रहा था और धार्मिक तकरीरें दी जा रही थी। तो आसपास के लोगों ने देखा, वहां पर कार्यकर्ताओं ने सूचना दिया, उसके उपरांत पुलिस को सूचना दिया गया संगठन तंत्र के माध्यम से। और वहां पर जब छापा पड़ा तो पता चला कि वहां पर धर्मांतरण के लिए जो भी प्रक्रियाएं थी वो सारी पूरी कराई जा रही थी, और वहां कुछ बाहरी लोग बलरामपुर, गोंडा, मऊ इत्यादि जगहों से आकर के यहां पर हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कराने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। उसके उपरांत वहां पर पानी की बोतलें मिली हैं, झाड़ फूंक किया जा रहा था, त्रिशूल बरामद किया गया, त्रिशूल पर माला लगा करके और तमाम। अब क्या ये प्रक्रिया है, अभी तो हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं। अब तक ईसाइयों की चंगाई सभाएं सबने देखा है, लेकिन अब मुसलमानों ने भी ये पैटर्न शुरू कर दिया है। और इन लोगों ने जैसा कि बयान में बताया कि हमको ऊपर से पैसा मिलता है, तो जिला प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे कि कड़ी कार्रवाई किया जाए, इनकी गहनता से जाँच किया जाए कि इनको कौन पैसा दे रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से धर्मांतरण करा रहे हैं, और जो परिवार धर्मांतरित हो रहा है उसको ये लोग क्या दे रहे हैं, धर्मांतरण में अंधविश्वास का लालच दे रहे हैं या पैसे का लालच दे रहे हैं। तो यह सब जांच का विषय है। आजमगढ़ को योगी जी ने एटीएस कमांड सेंटर भी दिया है और इन गतिविधियों में काफ़ी नाम आ रहा है। तो पूरे ज़िले में एक तो ईसाई मिशनरियाँ चल रही अब, और इस प्रकार से अगर मुस्लिम मिशनरी भी चलने लगेगी तो फिर हिंदू समाज के लिए दिक्कत ज़्यादा होगी। तो हिंदू समाज से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जहाँ भी इस प्रकार की कोई गतिविधि दिखे, आप किसी भी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता संगठन से संपर्क कर सकते हैं, सूचना करिए, कार्रवाई कराई जाएगी। कल जो घटना सूचना पुलिस आपने दिया कि पुलिस को स्वयं गई थी? नहीं, पुलिस को हम लोगों को कार्यकर्ताओं ने सूचित किया, उसके उपरांत हम लोगों ने सूचित किया अपने, हमने आरएसएस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, फिर वहां से फोन गया और हम लोगों ने भी बातचीत किया। तो कार्रवाई वहां पर एसपी अपने श्री अनुराग आर्य जी द्वारा मजबूती से कराई जा रही है, और अभी जांच भी उसकी कराए, पूरा इंट्रोगेशन हो रहा है, अब देखिए क्या क्या बातें सामने आती है, तो जेल वो लोग भेजे जाएंगे, ऐसी प्रशासन द्वारा भी बताया गया। कुल कितने लोग रहे होंगे आपकी जानकारी में? अब वहां पर तो 18 लोग पकड़े गए, मौके पर करीब 30-40 लोग थे, कुछ लोग भाग गए पुलिस देखते ही, जो बाहर से आए थे वो लोग पकड़े गए। क्या हिंदू धर्म के खिलाफ भी कुछ बातें वहाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, वो तो जब धार्मिक चीजें कराई जा रही हैं और वहाँ पर हिंदू प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके उसको हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है और मुसलमान बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हिंदू धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां की जा रही थी और तकरीरें की जा रही थी, जैसे हम भजन करते वहाँ कव्वाली कराई जा रही थी। तो धीरे धीरे ये सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ के ये लोग हिंदुओं को स्लो पॉइजन देते हुए लोग मुसलमान बनाते हैं या ईसाई बनाते हैं। पहले हमारे ही धर्म से शुरू करते हैं, जैसे हम सभाएं करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, उसी प्रकार ये लोग कराते कराते धीरे धीरे उनका विचार बदल देते हैं और प्रलोभन दे करके भूत प्रेत का चक्कर जो होता है। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे निचले तबके में जो भी गरीब लोग हैं उनके यहाँ सब चीजें ज्यादा होती है, इसलिए करती थी। अब ये नया पैटर्न है, मुस्लिम समाज के लोग आगे आ रहे हैं धर्मांतरण के लिए, क्या जी? तो अभी हम लोग भी यही देख रहे हैं कैसे इनका पैटर्न कहाँ कहाँ चल रहा है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या इनकी प्रक्रिया क्या है, एक संगठित गिरोह है, राष्ट्रीय स्तर का कोई गिरोह है जो काम कर रहा है। तो अब ये जांच होने दीजिए, इसके बाद सारी चीजें जब खुल के आएंगी तब हम लोग भी इस पर कुछ आगे कार्रवाई करवा पाएंगे और अपने लोगों को जागरूक कर पाएंगे। क्या लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जब बाहर से लोग आ रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं तक आ रही हैं, धर्मांतरण करवा रही हैं और 4-5 जिलों से आकर के एक जगह इकट्ठा हुआ जा रहा है, वहां पर दावत दी जा रही है, अब मांस भी बरामद हुआ है, क्या वहां बन रहा था, क्या गौ मांस था या फिर किसी अन्य पशु का मांस था, ये सब तो जांच का विषय है। अब जो भी चीजें आती हैं, कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये पता चलेगा। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते समय 5 आरोपियों को अहरौला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अहरौला थाने की पुलिस को ये सूचना उस समय मिली जब आरोपी शमजाबाद अंडरपास के पास इकट्ठे होकर ये योजना बना रहे थे। इस बीच अहरौला थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अंडरपास के पास इकट्ठे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब 5 आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो मामले का खुलासा हो सका। सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लाई। इस बारे में अहरौला थाने के प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ये सभी लोग डकैती की योजना बना रहे थे। इन आरोपियों में जिशान खान, शुभम सिंह, सचिन सिंह, प्रतीक सिंह और मानवीन प्रताप सिंह शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमबांध आजमगढ़ में चल रहे प्रशासनिक भवन एवं अकेडमी ब्लॉक के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर को 15 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर हैंडओवर करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर जल राजेंद्र चौधरी पीडब्ल्यूडी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 31,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 रमेश चंद्र ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के करमहा डींगुरपुर गांव में 13 अगस्त 2002 को नाग पंचमी के दिन लगभग 11:30 बजे गांव के लोग कबड्डी खेल रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर आपस में गांव के रमाकांत सिंह पुत्र जंग बहादुर, अशोक पुत्र तेज बहादुर, संत विजय सिंह पुत्र रमाकांत सिंह, सुनील पुत्र मंगला तथा अन्य 5-6 व्यक्ति अपने अपने हाथों में बंदूक व अन्य असलहों से लैस होकर वादिनी कैलाशी पत्नी रामजीत के घर पर धावा बोल दिए। हमलावरों ने कैलाशी की पति रामजीत उर्फ जितन प्रधान पर फायर कर दिया। इस फायरिंग में वहां पर मौजूद कुमारी मनीषा खदेरन, अनीता कटवारू, गुड्डी कलावती तथा काशी घायल हो गई। घायल रामजीत उर्फ जितन प्रधान तथा कुमारी मनीषा की उसी दिन इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसके पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। दौरान मुकदमा आरोपी अशोक सिंह जंग बहादुर, ननकू सिंह, फतेह बहादुर सिंह तथा तेज बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी विक्रम सिंह पटेल तथा श्री प्रकाश राय ने कैलाशी, कतवारू, कपिल, रमेश राजभर, लालमन, अनीता, गुड्डी, डॉक्टर बी एन चौबे, डॉक्टर आर के मल, चीफ फार्मासिस्ट राजेंद्र प्रसाद, उप निरीक्षक कमलेश कुमार, उप निरीक्षक वंश बहादुर, उप निरीक्षक हेमंत कुमार सिंह, कांस्टेबल बालचंद, उप निरीक्षक शारदा प्रसाद त्रिपाठी तथा कांस्टेबल अशोक कुमार ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रमाकांत सिंह, संत विजय सिंह, सुनील सिंह, जसवंत सिंह तथा दिनेश सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 31,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ की रानी के सराय थाना क्षेत्र के कोयलारी बुजुर्ग गांव में गुरुवार की सुबह आम के पेड़ से लटका हुआ वृद्ध का शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मौके से पुलिस सुसाइड नोट भी बरामद की है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोयलारी बुजुर्ग गांव निवासी 52 वर्षीय राम जन्म पुत्र निर्घुन का शव गुरुवार की सुबह गांव के बाहर आम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। वह कैंसर से पीड़ित था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पेड़ से लटकता हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। एक नोट भी जेब के साथ पेड़ पर चस्पा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये ग्राम कोयलारी बुजुर्ग है, ये रानी की सराय में पड़ेगा। इसमें एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था और साथ में एक नोट पेड़ से चस्पा और उनके जेब से भी मिला था। पुलिस इस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है, जानकारी करने के प्राप्त कर रही है कि क्या है। इनके द्वारा दिनांक 23 तारीख को 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी कायम किया गया था। पुलिस जो नोट मिला है इसको हस्तलेख मिलान के लिए भी भेजेगी और साइंटिफिक बेसिस पे जो सही कार्रवाई होगी नियमानुसार सही कार्रवाई करेगी। जो नोट मिला है सर, उसमें क्या आरोप लगाया गया? उन्होंने 3 लोगों पर आरोप लगाया। पुलिस तो पहली चीज़ इसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है और इसके बाद मृत्यु का सही कारण इसमें ज्ञात होगा और तहरीर के अनुसार जो भी प्राप्त होती है हम लोग सही छानबीन करके इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रंगमंच एवं ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था हुनर संस्थान द्वारा प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज अटलस पोखरा में आयोजित 20 दिवसीय हुनर समर कैंप का भव्य उद्घाटन गुरुवार को अभिषेक जायसवाल, दीनू आरबी शुक्ला, रमाकांत वर्मा, अजेंद्र राय, अंबुज राय, जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। नवोदित प्रतिभाओं के अंदर छिपे हुए हुनर को निखारने के उद्देश्य से विगत 18 वर्षों से इस समर कैंप का आयोजन होता चला रहा है। सर्वप्रथम संस्थान के सीनियर कलाकारों द्वारा गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, हेमंत श्रीवास्तव, अनुराधा राय,
काजल सिंह ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण व बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर अपने नृत्य कौशल को जिन हुनरमंदों ने जहां देश में नाम रोशन किया, वहीं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी उच्च अंक प्राप्त कर ये साबित किया कि ड्रामा व डांस कभी भी पढ़ाई में बाधक नहीं होते, बल्कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मददगार साबित होते हैं। इन बच्चों को उनके परिजनों के साथ संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में शिवी श्रीवास्तव, काजल प्रजापति, स्नेहा यादव, हिमांशु वर्मा, रितिका प्रजापति, प्रार्थना श्रीवास्तव, प्रवेश सरोज, भव्या राय व गुनगुन सोनकर प्रमुख हैं। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के सचिव वरिष्ठ रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर सोनल श्रीवास्तव, बबीता राय, करिश्मा सिंह, ईशा अग्रवाल, नीरम मिश्रा, वरुण राय, कमली सोनकर, आशीष चौहान, करण सोनकर, राज पासवान सहित कैंप के प्रतिभागी बच्चे व अभिभावक उपस्थित रहे। हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा 20 दिवसीय ये समर कैंप, जिसका आज भव्य उद्घाटन प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रांगण में किया गया। पिछले 18 सालों से हम लोग ये कैंप लगातार आयोजित करते चले आ रहे हैं और नई नई प्रतिभाओं के अंदर छिपे हुए हुनर को निखारने का काम करते हैं। ये हुनर समर कैंप अपने आप में बड़ा ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ के प्रशिक्षक वेल ट्रेंड और बाहर से आए हुए भी प्रशिक्षक होते हैं जो बच्चों को निरंतर शिक्षा देते हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि यहाँ से सीखे हुए बच्चे आज विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं, डांस टीचर के रूप में, स्पोर्ट टीचर के रूप में। इस कैंप में आज हम लोगों ने उद्घाटन समारोह में उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो बच्चे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नृत्य के माध्यम से अपने जनपद का नाम रोशन करते हैं। आज उन बच्चों के साथ उनकी माताओं का भी सम्मान किया गया है, क्योंकि माताएं वो पहली सीढ़ी होती हैं जो बच्चों के लिए हर समय तैयार रहती हैं, उनकी हुनर को निखारने में मददगार साबित होती है। आज ये कैंप शुरू हुआ है, अब से लेकर 10 जून तक ये कैंप चलेगा, जिसमें हम सब बच्चों को पेंटिंग, मार्शल आर्ट, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट और डांस में क्लासिकल, वेस्टर्न डांस की तमाम विधाओं को हम सिखाने का प्रयास करें। निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर दलित बस्ती में घुसकर आधा दर्जन से अधिक लोगों के घरों को फूंककर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 16 आरोपियों को करीब 7 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इन लोगों की गिरफ्तारी खुदादादपुर बाजार से हुई, जबकि कुछ लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। एसपी अनुराग आर्य के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद दानिश पुत्र जुरार, पप्पू उर्फ परवेज पुत्र इखलाक, अहमद जमशेद अहमद पुत्र इखलाक, अरशद पुत्र कुद्दूस, नुमान पुत्र लड्डन उर्फ खालिद, मोहम्मद सलीम पुत्र यूनुस, अमजद पुत्र बदरुद्दीन, वकार पुत्र सहदुल्ला, अबू तालिब पुत्र इलियास, अहजीशान पुत्र फैजान, अनवार पुत्र कमरुद्दीन, फिरोज पुत्र तौफीक, अरशद पुत्र मुशीर, अरशद पुत्र अफजल उर्फ नकड़ू, जुरार अहमद पुत्र मारूफ, बसी पुत्र रजी अहमद का नाम शामिल है। ये लोग निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर गांव के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक 14 मई 2016 की शाम को खुदादादपुर बस्ती का रहने वाला एक टेम्पो चालक सवारी बिठाकर जा रहा था। खुदादादपुर बाजार के पास 5 रुपए के किराए के विवाद में आरोपी गोलबंद होकर बस्ती में घुस गए और कई घरों में आग लगा दी, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ को जाम कर दिया। बीच बचाव करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की उनके द्वारा चलाई गई गोली से तत्कालीन सीओ सिटी के सरोज और पत्थर लगने से तत्कालीन एसडीएम अनिल सिंह सहित अन्य लोग घायल हो गए थे। यहां पर हालात सामान्य करने के लिए तत्कालीन एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी समेत अन्य अधिकारियों को यहां कैंप करना पड़ा था। एसपी ने बताया कि इस मामले में कुल 22 आरोपी फरार चल रहे थे। मामले की जांच उपनिरीक्षक धनंजय प्रसाद शुक्ला को सौंपी गई। बुधवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर धनंजय कुमार शुक्ला फोर्स के साथ खुदादादपुर बाजार में पहुंचे और घेराबंदी करके 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य कई लोग फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर निवासी आरएस पुत्र खालिद की पुलिस को 14 मई 2016 से तलाश थी, जिसने अभी हाल ही में सरेंडर कर दिया था। अभियुक्त आरएस पर आरोप है कि 14 मई 2016 को खुदादादपुर में जो दंगा हुआ था, उस समय आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था।
आरोपी की फायरिंग में पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी गोली लगी थी, तभी से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। दलित व मुसलमानों के बीच हुए संघर्ष के बाद इस इलाके में कई दिन तक उपद्रव हुआ था, कई घरों में आग लगा दी गई। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन पुलिस कप्तान व कमिश्नर तक हटा दिए गए और कई दिनों तक इस इलाके की इंटरनेट सेवा भी बाधित की गई थी। शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में सांप्रदायिक अराजक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इनके खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई, इसके साथ साथ स्ट्रीट गुंडाइट गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आज थाना निजामाबाद पर 16 अभियुक्त धारा 151 CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं और इनका पाबंदी कराई जा रही है। ये 16 अभियुक्त वर्ष 2016 में एक घटना में शामिल थे, जिसमें पुलिस टीम पर भी हमला किया गया था और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया गया था। इसमें बहुत गंभीर धाराओं में 2016 में FIR पंजीकृत हुई थी, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इनके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, स्टेट खोलने की कार्रवाई हो चुकी है। आज इन 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके धारा 151 CRPC के अंतर्गत प्रिवेंटिव अरेस्टिंग इनकी की गई है और इसके साथ साथ इनको 107 116 CRPC में शांति व्यवस्था के लिए पाबंद भी कराया जा रहा है। जितने भी इस प्रकार के तत्व हैं, जो या तो आपराधिक तत्व हैं या सांप्रदायिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और शासन के निर्देशों के क्रम में इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जो इस प्रकार की मंशा रखते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन कंपोजिट साइंस लैब फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स आउटडोर एंड इनडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेज। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी दही कबाब ढाबा मटन चिकन अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस नियर नगर पालिका चौराहा सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरवंश पर आजमगढ़ एफिलियेटेड टू CBSE एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Hotel Park Green Hydel Chauraha Siddhari Azamgarh. स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स 24 आवर रूम सर्विस नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह एंगेजमेंट मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़